देखिए, नाइन नंबर का फर्स्ट नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 4.1 का नाइन नंबर क्वेश्चन कहता है फोर साइन इनवर्स इतना कॉस इनवर्स इतना इक्वल टू पाए का किए साइन इनवर्स 1/√10 कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल टू 5/4। सबसे पहले ये कॉस इनवर्स है, इसको हम थीटा मान लिए, कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे ताकि दोनों साइन हो जाएगा। चेंज करने के लिए क्या किए कि कॉस को उधर ले गया तो इनवर्स हट गया, पी वाई बी वाई एच होता है तो पी का वैल्यू निकालें एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, तो ये 4 में 5 जाएगा रूट से स्क्वायर कट गया तो 1 बचा, 1 के वर्गमूल हुआ। तो हम इसको लाएंगे साइन में, तो जब हम साइन में चेंज किए साइन इनवर्स 1/√10 साइन इनवर्स तो पी का वैल्यू होता है 1 तो 1 है और एच का वैल्यू आया √5 तो √5 बैठा दिए। अब इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स 1 − y² वाई 1 − x² अब भीम का जोड़ कर दिए स्क्वायर कट गया तो 4 यहाँ भीम का जोड़ कर देंगे, यहाँ भी भीम का जोड़ करेंगे, देखिए किए हैं 4 में 1 जाएगा तो 5 में 1 जाएगा तो 4/√5, यहाँ भी 10 में 1 जाएगा तो 9/√5। अब 4 के वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 और नीचे तो 10 के 10 तो 3 और 2 हो गया 5 और नीचे एलसीएम लेंगे √10 √5 √5 √10 तो उसी तरह आएगा 10 के 10। आप क्या करेंगे कि 5 है और यहाँ √5 है तो √5 को अगर हम काटेंगे 5 को तो √5 से कटेगा, मतलब कि √5 √5 इंटू करेंगे तो 5 आता है, तो हम जब ये काट दिए तो 1 √5 बच गया। आप 5 और यहाँ है 10 तो 5 × 2 = 10 यानी रूट है तो रूट रह जाएगा तो 1/√2 इतना वैल्यू होता है साइन 45 लिख दिए 5/4 साइन साइन कट गया 5/4 आ गया, ये हो गया आंसर। चलिए हम देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नाइन नंबर का टू का कहता है कॉस 2 sin inverse x 1 − 2 x²। तो पहले आर एच एस हम लिख दें, जिधर इजी पड़ता है उधर से बनाना शुरू करते हैं। आर एच एस इतना लिख दें, एक्स के जगह हम पुट किए साइन थीटा क्योंकि हमको याद है इसका फार्मूला, इसलिए आप लोग भी याद कीजिए फार्मूला, ये तो बन जाएगा साइन थीटा पुट किए तो साइन को इधर ले आए तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा आपका किए ना 1 − 2 जहाँ एक्स है वहाँ साइन थीटा बैठा दें, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी। इसका फार्मूला होता है कोस 2 थीटा, बहुत बार फार्मूला बता चुके हैं, 11th क्लास का फार्मूला है 1 − 2 sin²θ बराबर कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा की जगह वैल्यू बैठा दिए, थीटा की वैल्यू लाए हैं साइन इनवर्स एक्स बैठा दिए है ना, बैठा दिए और थीटा जो माने थे से बैठा दिए साइन इनवर्स एक्स 2 है तो 2 लिख दिए, यही तो कॉस का कॉस 2 का 2 थीटा की जगह जो बैठा है यही LHS लाना था, लिख दिए LHS RHS से LHS देखिए लाना था। अब आते हैं इसका आगे क्वेश्चन, ये है 10th नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहता है कॉस sec इनवर्स एक्स कॉस sec इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। पहले LHS लिख दिए, अब sec इनवर्स और कॉस sec इनवर्स का वैल्यू होता है 5/2, बताए थे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बराबर 5/2, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स बराबर 5/2, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स 5/2, तो 5/2 लिख दें, कॉस 90 का 0 हो गया। अब आते हैं इसी का 4th नंबर, ये क्वेश्चन है कहते इतना इक्वल टू इतना लाइए सारा प्रूफ करके इतना आंसर लाइए, तो कोई भी एक उठाएं हम सभी एक ही जैसे बनेगा। साइन इनवर्स को उठाएं LHS में आ इसको पुट किए एक्स के जगह कॉस 2 थीटा, सभी में उसी तरह पुट करना है एक्स बराबर कॉस 2 थीटा, तो कॉस इधर आएगा इनवर्स 2 गुना में इधर आएगा भागा में, थीटा का वैल्यू निकल गया। अब बैठाएंगे साइन इनवर्स नाव
एक्स के जगह कॉस टू थीटा बटा टू, वन माइनस कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बट साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कट गया, टू और ई टू कट गया, साइन थीटा बच गया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, और थीटा का वैल्यू देखिए इतना बिठा दिए, कहाँ से बिठाएं, थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, ये वैल्यू बैठा दिए, वो आंसर हो गया। ये सभी में पुट करना है, यानी क्वेश्चन क्या था, यानी इसको हल किए तो भी इतना ही आंसर आया, और इसको भी हल करेंगे तो भी इतना आएगा, इसको भी हल करेंगे तो भी इतना आएगा, और सभी जगह वही बैठाना है कोस टू थीटा जो दे यहाँ प्रूव किए। ये हो गया 4 नंबर। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर का। 10 नंबर साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स और 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, और ये क्वेश्चन है पूरा, ये प्रूफ करके लाना है, ये क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है लेकिन बना लीजिए। लेट किए, ये जो साइन है इसको भी 10 में लाएंगे और कोस है इसको भी 10 में लाएंगे, तो चेंज करने के लिए थीटा लेट करते हैं, फिर वो नीचे कुछ नहीं तो 1, तो बी बाई एच होता है कोस का, साइन का होता है पी बाई एच। यहाँ से बी का वैल्यू निकालें और यहाँ से पी का वैल्यू निकालें, लम करना धार का। तो यहाँ से हम 10 का निकालेंगे तो पी बाई बी होता है, पी का वैल्यू निकला इतना और बी का वैल्यू आई है। यहाँ से निकालना चाहेंगे तो यहाँ से होता है 10 का ए पी बाई बी, पी कितना है एक से ऊपर में, और ए बी कितना आया 1 - x2। अब दोनों जब 10 में हम चेंज कर दिए है ना, देखिए 10 में चेंज कर दिए, ये साइन था इसको भी चेंज कर दिए। पहले मेरा क्वेश्चन था साइन में और कोस इनवर्स में, हम दोनों को चेंज किए हैं 10 में 10 में। फार्मूला है 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y, मतलब x प्लस वाई 1 - x (y)। अब आप लोग का काम है कि इसका एलसीएम लीजिए इतना आएगा, नीचे भी एलसीएम लेंगे इतना आएगा, एलसीएम दोनों का कट गया, भीम का जोड़ कर दिए, देखिए ऊपर इतना आया और नीचे इतना आया, यही आपका आंसर है RHS, यही लाना था। कुछ नहीं है, सिर्फ भीम का जोड़ करना है, सही से कैलकुलेशन करना है और बना देना है। अब आते हैं 11 नंबर, प्रूव दैट। कहता है कि कोसेक 10 इनवर्स, 10 है कोट, ये कोट है तो इसको 10 बनाना पड़ेगा, और यहाँ 10 है तो इसको कोसेक बनाना पड़ेगा, तभी कोसेक कोसेक कटेगा और 10 10 कटेगा। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले LHS लिख लिए, ये 10 है इसको हम कोसेक बनाएंगे, तो 10 थीटा उधर जाएगा, 10 थीटा ये हो गया एक्स, ये नीचे कुछ नहीं तो 1, पी बाई बी एच निकालेंगे, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जब एच निकल गया तो हम कोसेक का वैल्यू क्या होता है, एच बाई पी, तो एच का वैल्यू लाए इतना और पी का वैल्यू है एक्स, तो कोसेक निकल गया। चलिए बैठा दिए, कोसेक था और 10 को हम कोसेक में ला दिए, और वहाँ कोट है तो कोट को 10 में लाएंगे तो 1 बाई एक्स। अब क्या होगा, 2 10 इनवर्स, ये दोनों कट गए कोसेक कोसेक, और वहाँ से 10 कट गया इतना आ गया, एलसीएम लो एक्स, भीम का जोड़ किए इतना आ गया। अब इतना आ गया और आंसर लाना है क्या, देखिए ध्यान से देखिए, आंसर लाना है 10 इनवर्स x। तब क्या करेंगे, हाँ तो 2 है, 2 को हटाने के लिए फार्मूला एगो पढ़ा होगा, 2 त्रिनेत्र फार्मूला, 2 10 इनवर्स, इसको पूरे को x मान लो, तो 2 10 इनवर्स x का फार्मूला होता है 10 इनवर्स 2x, x को पूरे मान लिए इसको, और 1 - x2। अब जब इसको हल कीजिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़िए, x² तोड़िए, x कटेगा, एक बच जाएगा ऊपर जाएगा, ये और ये सेम आ जाएगा, कट जाएगा, यानी सभी कट का x हो जाएगा, पूरे हल करने पर यहाँ x आएगा, तो वही हो गया 10 इनवर्स x। अब देखिए ये 12 नंबर, 12 टाइप 4, यहाँ से चेंज क्वेश्चन है, टाइप 4, इफ़ 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y 10 इनवर्स z = π/2। तब क्या किए, इतना प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, इफ़ मतलब यदि, तो ये दिया हुआ है इतना लाना है, कैसे लाएंगे, पहले क्वेश्चन को लिख ली, गिवेन दैट, यहाँ गिवेन दैट लिखते जाइएगा आप लोग। अब ये था z प्लस में, हम बराबर को उधर ले गए तो माइनस में,
आप टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, और इतना फार्मूला होता है कोट इनवर्स जेड, सारा फार्मूला लिखाए हैं। तो कोट को हम टेन में चेंज करेंगे तो वन बाय जेड, आप टेन और टेन दोनों तरफ है कट गया, ये बच गया, यहाँ से ये बच गया, फिर तिरछा इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जेड को एक्स से करेंगे तो एक्स जेड, फिर जेड को वाई से करेंगे वाई जेड, फिर वन को वन से एक्स वाई, माइनस में इधर आया प्लस, हो गया प्रूफ, बहुत ईजी। थोड़ा हाई क्वालिटी में देखिएगा वीडियो, तब साफ साफ दिखेगा, और थोड़ा लाइट में देखिएगा, MB खर्च होने से डरिए मत, ये पढ़ाई आपका ज़िंदगी बदलेगा, टिकटॉक नहीं। देखिए ये है उसी का दूसरा नंबर, सेम क्वेश्चन है उसी तरह, पाए है उसमें पाए बाय टू था, और इतना प्रूफ करना है। यानी क्या किए, सबसे पहले लिख लिए क्वेश्चन, ये दोनों का फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, इसको उधर ले गए, ये पा है, टेन कई डिग्री वैल्यू पाए होता है, तो टेन जीरो डिग्री वैल्यू पाए होता है, मतलब 180 का वैल्यू जीरो होता है, तो टेन इनवर्स जीरो लिख दी, टेन इनवर्स जेड लिख दी, अभी दोनों का फार्मूला लगाएं, जीरो माइनस जेड वन प्लस एक्स इंटू वाई, इसको एक्स मानते इसको वाई मानते, अब टेन टेन कट गया, जो इधर जेड बचेगा और नीचे तो वन बचेगा, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें तिरछा, एक्स वाई ऐसे करेंगे माइनस, और माइनस हो गया प्लस, जेड को वन से माइनस जेड, ये माइनस उधर गया प्लस, हानि प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। थोड़ा कुछ देर में साफ साफ दिखेगा, अच्छा से दिखेगा, है ना, कर करके देखिए, पूरा हाई क्वालिटी में दिखिए। हाँ भाई, ये 13 नंबर कहता है, इफ साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू, प्रूव दैट एक्स वन माइनस इतना लाना, प्रूव करके गिवन दैट, पहले क्वेश्चन लिख लिए, अब इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स और वाई का, साइन इनवर्स एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाई टू, ये फार्मूला बैठा दिए, साइन इनवर्स है उधर ले गए साइन को, तीन वर्स हट गया, आप साइन 90 डिग्री इजस के तस, साइन 90 का वैल्यू होता है वन, और इजस के तस, इतना ही प्रूव करना था। ये सब क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है, आता है 5 से जो 10 इनवर्स का था, अब यहाँ से VVI फिर स्टार्ट होता है, एक्स का वैल्यू और फिर उधर था पीछे, फाइंड 4x, आप लोग सारा एग्जाम्पल बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्द आ रहा है कैलकुलस का क्लास, इसलिए आप लोग सारा फार्मूला सारा नोट्स पीछे पढ़ाया हुआ कंप्लीट कर लें, है ना, इसका टेस्ट भी लेंगे और इसका असाइनमेंट भी देंगे, ठीक है, इसलिए आप लोग कंप्लीट कीजिए, बहुत जल्द आ रहा है कैलकुलस का क्लास 44 नंबर का। देखिए आते हैं टाइप 5 14 नंबर क्वेश्चन, फाइंड दी एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा तो दोनों लेग चलेंगे, ये मेरा क्वेश्चन हुआ, आप क्या किए, ये 45 है तो उसको 10 इनवर्स 1 लिखते हैं, और ये कोट है प्लस में, उधर चल गया माइनस, आप क्या किए, इजस के तस 10 इनवर्स 1 10 इनवर्स कोट को 10 में लाएंगे तो 1 बाई एक्स, अब इसका फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे कैसे, देखिए जो साइन था उसको हम 10 लाएंगे तो पी बाई एच, साइन उधर चला गया, बी निकालेंगे, रूट फाइव से स्क्वायर कट गया वन, चार के वर्गमूल दो, ये बी निकल गया, आप क्या करेंगे, नाउ टेन इनवर्स वन बाई टू, इसको हम चेंज किए टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स का होता था पी बाय बी, तो पी कितने लाए, पी वन है, बी कितना आया है, टू आया है, और उधर से टेन इनवर्स जो फार्मूला पीछे दिखाएं उसका फार्मूला बैठा दी, अब टेन टेन कट गया तो आ गया इतना, अब इसके एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे एक्स एक्स माइनस वन, फिर भीम का जोड़ करेंगे, यहाँ दोनों कट गया, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आया, देखिए अब इंटू कर देंगे तिरछा, ऐसे कर देंगे एक्स प्लस वन, ऐसे कर देंगे एक्स टू एक्स माइनस वन, टू एक्स है तो एक्स उधर चला जाएगा तो घट गया, और माइनस वन है इधर आएगा तो प्लस वन, यानी वन आर वन, ये कितना हो गया, यहाँ टू लिखा था और यहाँ दो एक्स में एक्स, तो एक्स का वैल्यू टू होता है, यहाँ टू, वन और वन
टू लिखिएगा आप लोग, टू। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है, एक वीडियो और चलेगा, 14 का सेकेंड नंबर। साइन साइन इनवर्स 1/√5, कॉस इनवर्स एक्स 1। एक्स का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ ले चलते हैं, और प्रूफ दैट रहता है तो एल एच एस से आर एच एल चलते हैं। साइन है, पहले इसको लिख ली, ये साइन है, उधर चला गया तो इनवर्स। अब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इसका साइन रहने दिए, इसको लिख दिए पाए बाई टू, ये कॉस है उधर ले गया माइनस, साइन साइन कट गया पाए बाई टू, ये हो गया कॉस इनवर्स 1/x, और ये साइन इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स 90° माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। फार्मूला पूरा याद कीजिए तभी सक्सेस हो पाइएगा। साइन इनवर्स कट गया 1/5 1/x, इस तरह x का वैल्यू 5। इस तरह सारा क्वेश्चन बनाइए, है ना, और एक वीडियो देंगे कल। पूरा नोट्स बना लीजिए, है ना, जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछिए, पूरा नोट्स बना लीजिए।